हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर। आई एम प्रेमचंद यादव। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास ट्वेल्थ मैथ एक्सरसाइज 7.3। चलिए देखते हैं 7.3 का कुछ क्वेश्चन। इसमें है कि निम्न फलनों के समाकलन कीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस एक्सरसाइज का। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है कि 1 + 1 − cos x / 1 + cos x, इसको इंटेग्रेट फॉर्म में हम इस तरह से रखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमिति सर्वसमिका अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए हमारा क्या हो जाएगा, आप फार्मूला जानते हो cos2x = 1 − 2 sin²x। तो यहाँ से cos x = 1 − 2 sin²x/2। अब देखिए 2 sin²x/2 = 1 − cos x। इसी तरह से आपने पढ़ा है कि cos2x = 2 cos²x − 1। तो यहाँ पे आप cos x = लिख सकते हो 2 cos²x/2 − 1, ये लिख सकते हो। अब माइनस वन जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + cos x = आ जाएगा क्या, ये बराबर आपका आ जाएगा 2 cos²x/2। ठीक है, अब देखिए 1 + cos x = 2 cos²x/2 और 1 − cos x = 2 sin²x/2 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसमें पुट करेंगे तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन आप 2 sin²x/2 / 2 cos²x/2 dx। अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या, sin²x/2 / cos²x/2। अब बराबर क्या आ जाएगा, tan²x/2 dx। अब देखिए tan²x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sec²x/2 − 1 dx। चूँकि tan²x = होता क्या है, sec²x − 1। अब देखिए हम इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो इंटीग्रेशन आप sec²x/2 dx − 1 dx। अब देखिए इसमें हम x/2 = t मान रहे हैं तो यहाँ देखिए dx/2 = dt, तो dx = आ जाएगा क्या, 2 dt। अब इसमें हम रख देंगे तो यहाँ से देखिए इसमें हम रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 dt, यानी dx की जगह रखेंगे और sec²t आ जाएगा। अब देखिए इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा sec²t 2 dt और −x 2 बाहर ले लेंगे, sec²t dt माइनस इसका तो −x आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा इतने का, चूँकि इंटीग्रेशन आप sec²x dx ये बराबर क्या होता है, tan x + c, यही तो होता है। अब tan x + c होता है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 2 तो बाहर है तो 2 tan x/2 और माइनस ए वाला x और प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि cos⁴ 2x। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos⁴ 2x dx। तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, cos²2x² क्योंकि 2 × 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा तो यहाँ power 4 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम और कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें cos²2x² dx। अब देखिए इसको हम रखेंगे cos2a = क्या होता है, 2 cos², यहाँ से देखें 2 cos²a − 1, तो यहाँ cos²a = क्या हो जाएगा, 1 + cos²a / 2। अब इसी फार्मूले को हम इतने में रखेंगे तो इतने में देखिए cos²a = इतना है तो cos²2x = क्या हो जाएगा, 1 + cos⁴x और अपॉन 2 और का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर dx।
अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, तो वन बाई फोर बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा वन प्लस कास फोर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वन प्लस कास स्क्वायर फोर एक्स प्लस टू कास फोर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से देखिए ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन पावर वन अपान फोर, यहाँ इंटीग्रेशन आप वन डी एक्स, इंटीग्रेशन आप कास स्क्वायर फोर एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन आप टू कांस्टेंट बाहर कर लेंगे तो कास फोर एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ से देखिए वन अपान फोर इतने का यक्स आ जाएगा प्लस, अब देखिए कास स्क्वायर फोर एक्स को हम इस फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कास एट एक्स अपान टू डी एक्स, और यहाँ देखिए टू इंटू इतने का इंटीग्रेट करेंगे फोर एक्स बराबर क्या मानेंगे टी, तो फोर डी एक्स बराबर डी टी, तो डी डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी बाई फोर, तो यहाँ देखिए वन अपान फोर और इतने का क्या आ जाएगा साइन फोर एक्स, तो साइन फोर एक्स बाई फोर प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका क्या आ जाएगा, वन अपान फोर इतने का यक्स आया है, ठीक है, और इतने का करेंगे तो इस वन बाई टू बाहर ले लेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो इंटीग्रेशन आप वन डी एक्स ए वाला, और फिर वन बाई टू ए वाला, वन बाई टू बाहर लेंगे तो ये देखिए कास एट एक्स डी एक्स, और प्लस इसको दो से कट कर देंगे तो एक बटे दो यहाँ साइन फोर एक्स बाई टू, और यहाँ प्लस सी आ जाएगा। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए वन अपान फोर यहाँ आ जाएगा यक्स, इतने का आ जाएगा वन बाई टू एक्स, इतने का वन बाई टू तो है ही, कास एट एक्स क्या आ जाएगा साइन एट एक्स बाई एट, और साइन फोर एक्स बाई टू प्लस सी। अब देखिए इसको हम क्या करें, वन अपान फोर से सब में गुणा कर दें, सब में गुणा करेंगे तो यक्स बाई फोर और यक्स बाई एट, फिर साइन एट एक्स अपान यहाँ देखें आठ दुना सोलह चौक चौंसठ, तो अपन चौंसठ सिक्सटी फोर, और यहाँ साइन फोर एक्स अपान टू फोर जा एट, ठीक है, तो टू फोर जा देखें यहाँ पर एट आ जाएगा प्लस सी। अब देखें यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे इतने को तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स बाई एट और प्लस साइन फोर एक्स अपान एट, और यहाँ ए वाला हमने लिख दिया तो साइन एट एक्स अपान सिक्सटी फोर प्लस सी, तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका आंसर इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, सिक्सटीन। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखिए क्या कह रहा है कि टेन पावर फोर एक्स इसका हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसका देखिए इंटीग्रेट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, टेन पावर फोर एक्स डी एक्स। अब देखिए टेन टेन पावर फोर को हम सेक के टर्म में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब टेन स्क्वायर एक्स को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इस टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं फार्मूले से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको हम दो इंटीग्रेट में क्या कर दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं, तो वाई बराबर ए देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन आई वन और ये देखिए सेकंड इंटीग्रेशन आई टू। अब हम अलग अलग सॉल्व करके इसी में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम रख रहे हैं क्या, पहले आई वन सॉल्व करेंगे, आई वन ए है आई टू हमारा ए है, तो यहाँ से देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आई वन बराबर कितना, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से देखिए माना टेन एक्स बराबर टी मान ले रहे हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ गया, और टेन स्क्वायर एक्स बराबर हमने टेन एक्स बराबर टी माना तो टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे टी की पावर टी क्यूब अपान थ्री आ जाएगा और प्लस सी,
तो यहाँ से टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन क्यूब एक्स अपान थ्री प्लस सी, ये आपका आई वन आ गया। क्या आ गया, आई वन आ गया, ठीक है। अब हम आई टू को सॉल्व करेंगे। आई टू हमारा क्या है, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स। अब यहाँ से देखिए इसको ब्रेक करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स अलग आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स, और इतने का क्या आ जाएगा एक्स, और ये आ गया आई टू की वैल्यू। किसकी वैल्यू, आई टू की वैल्यू। अब आई वन और आई टू की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, समीकरण नंबर एक में। अब समीकरण नंबर एक में पुट करेंगे इसमें, किसमें, इसमें समीकरण एक में। तो यहाँ से देखिए हम पुट कर रहे हैं, तो y बराबर आई वन, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ माइनस, ठीक है, तो इसको माइनस कर लीजिएगा, y बराबर आई वन माइनस आई टू। तो आई वन की वैल्यू देखिए ये आया है आपका, तो टेन क्यूब एक्स अपान थ्री और माइनस यहाँ टेन एक्स और माइनस, ये देखिए इसको ब्रेकेट में रखेंगे तब ये माइनस होगा, अगर ब्रेकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से देखिए अगर हम ब्रेकेट ओपन करेंगे तो प्लस एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस सी, तो ये आपका क्या होगा आंसर, ये आपका आ जाएगा टेन क्यूब एक्स अपान थ्री और माइनस टेन एक्स और प्लस एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, कास टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेट टर्म में हम ए रखेंगे। अब देखिए आपको फार्मूला मालूम होगा कास टू एक्स का, क्या है कास टू एक्स का, तो कास टू एक्स का फार्मूला देखिए आपको मालूम होगा, कास टू एक्स बराबर लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो यही फार्मूला इसमें रखेंगे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपन कास स्क्वायर एक्स, तो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारा हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कास स्क्वायर एक्स को वन अपान कास स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर डी एक्स, और सेक स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है टेन एक्स, तो टेन एक्स प्लस सी हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।